गुजरात कોંગ્રેસે ડ્રગ્સના વધતા પ્રભાવ પર લગામ લગાવવા માટે એક અભિયાનની શરૂઆત કરી છે, જેનું નામ છે રિજેક્ટ ડ્રગ રિજેક્ટ ભાજપા। હકીકતમાં ગુજરાત કોંગ્રેસે પ્રદેશમાં સતત વધી રહેલા ડ્રગ માફિયાઓને લઈને આ અભિયાનની શરૂઆત કરી છે। કોંગ્રેસે ગુજરાતમાં ડ્રગ માફિયાઓને મળી રહેલા કથિત સંરક્ષણને લઈને ભાજપા સરકાર પર પ્રહાર કરતા પૂછ્યું કે રાજ્યમાં ડ્રગ્સ અને દારૂ માફિયાઓને કોણ સંરક્ષણ આપી રહ્યું છે। ડ્રગ્સના મુદ્દા પર ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનેતે ગુજરાત સરકાર પર પ્રહાર કર્યો અને કહ્યું કે ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ ખુલ્લેઆમ વેચાય, ગુજરાતના યુવાઓના ભવિષ્ય સાથે રમત રમાઈ રહી છે। પાનની દુકાનો પર ડ્રગ્સ લેવા માટે ઉપયોગમાં આવનારા સામાનનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે, જ્યારે ગુજરાતના બંદરો પર વિશાળ પાયે ડ્રગ્સ લાવવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી, પ્રધાનમંત્રી કે ગૃહમંત્રી કેમ કંઈ બોલી રહ્યા નથી। આ સાથે ગુજરાત કોંગ્રેસે એન્ટી ડ્રગ કેમ્પેઇન સાથે લોકોને જોડવા માટે એક ટોલ ફ્રી નંબરની પણ શરૂઆત કરી અને લોકોને આ અભિયાન સાથે જોડાવા અને ગુજરાતને ફરીથી નશામુક્ત રાજ્ય બનાવવાની વિનંતી કરી છે। कुछ लोगों के दिमाग पे भाजपा का नशा बहुत चढ़ा है, उनको ये ड्रग्स और शराब के नशे दिखाई नहीं देते, लेकिन नशा जो भी हो उतरता जरूर है, और जब ये नशा उतरेगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि समझना जरूरी है कि खिलवाड़ हमारे आपके साथ ही नहीं, खिलवाड़ हमारी आने वाली नस्लों के साथ हो रहा है। तो जरूर जवाब नहीं दे हो, जरूर सरकार इसके बारे में ठोस कदम उठाए, प्रधानमंत्री इसके बारे में बात करें, और बिना विलंब के गुजरात के होम मिनिस्टर को, गुजरात के गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। उनको अपने पद पर एक मिनट भी बनी रहने की नैतिकता नहीं है। आपके सवालों का स्वागत है। सो मोटो प्लीज, किसी ड्रग सिंडिकेट पर अगर आप लोग के सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने गृहमंत्री का इस्तीफा मांगा, गृहमंत्री को तो गौलाइदा पोर्टफोलियो भी दिया गया परसों ही, गवर्नमेंट को अच्छा गृहमंत्री इसलिए उसको रेशू विभाग दिए, एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो भी दिया। तो एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो देने से क्या हम अपनी आंखें बंद कर ले जो ड्रग का गोरख धंधा गुजरात में हो रहा है? गुजरात में पिछले 5 साल में उतनी ड्रग पकड़ी गई है जितना का गुजरात का बजट है। क्या कर रहे हैं गृहमंत्री? और ये वो ड्रग है, मैं फिर से बोलूंगी, ये वो ड्रग है जो पकड़ ली जा रही है। उस ड्रग का क्या जो मार्केट में अपने आप स्वतः चली जा रही है, जो पकड़ी नहीं जा रही है? क्या रोल है गृह मंत्री का? क्या रोल है भाजपा का? ये कौन से ड्रग सिंडिकेट है? ये कहां से जड़े फैली है? इसके पीछे कौन से बड़े लोग हैं? कौन वाकई में आयात कर रहा है? कहां ये ड्रग्स जा रही है? छोटे मोटे ट्रेडिंग फॉर्म इतनी बड़ी बड़ी ड्रग्स मंगा लेंगे? तो गृह मंत्री अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और हमसे भी अपेक्षा करी जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। ये भाजपा की निर्लज्जता है, ये भाजपा की असंवेदनशीलता है कि उनको लगता है कि गृह मंत्री को बजाय बर्खास्त करने के उनको एक पोर्टफोलियो और दे देना चाहिए।